गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टॉपिक होगा इसोनर्स का, सेमेस्टर नंबर 2, कोड नंबर 4। ये है प्रीवियस ईयर पेपर आने की जो पूछा गया था आपको सितंबर 2022 में क्वेश्चन, वो करवाया है। सर वीडियो को आप लोग लाइक शेयर और फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके प्रेस अवश्य कर दें। करवाया जाएगा आपको फुल एमसीक्यू, करवाया जाएगा आपको 10 क्वेश्चन का जो एमसीक्यू पूछा गया है, प्लस में और क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। बहुत ज़्यादा आपका आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को एंड तक अवश्य देखें। ये 2021-24 का है, टाइम 3 आवर्स था, फुल मार्क्स आपका 80 था, कोर नंबर 4, सेमेस्टर नंबर 2 का। देखिए यूनिट 1 जो है क्या लिखा हुआ है, 1 × 10, यानी कि 10 क्वेश्चन रहेगा आपका, यानी कि आपको करेक्ट आंसर करना है 1 क्वेश्चन। आपको चार चार ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर फर्स्ट कहता है चौसर इज द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ, कब का पोएट था, रखिएगा फ्रेंड्स वो थे आपके 14th सेंचुरी का। किसका थे 14th सेंचुरी का, मीन्स क्या होगा, वन का आपका ऑप्शन है, ए का आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई बढ़ते फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर जो बी है वो देखेंगे। शेक्सपियर इज नोन मोस्टली फॉर इट, शेक्सपियर सबसे अधिक किसके लिए जाने जाते, तो जाने जाते हैं ड्रामा, लिख सकते हैं इसको प्ले, ड्रामा और प्ले के प्ले लिखा हुआ उसी को कहते हैं, एक नाम से ड्रामा के नाम से, ठीक है, तो ड्रामा के नाम से जाने जाते हैं कौन, शेक्सपियर। तो आपका बी का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका सी की ओर, क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन सी देखेंगे। बाई विच रिवर वुड बी मार्वेल, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका मार्वेल हो जाएगा, यहाँ मिसिंग हो गया है, छूट गया है, हिमसेल्फ हैव टाइम टू कंप्लेन। देखिए ये हो जाएगा आपका कौन सा रिवर जो है बारे में बात किया गया है, वो देखिए आपका है हम्बर, कौन सा रिवर है, हम्बर है, यानी कि सी का जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर डी की ओर, क्वेश्चन नंबर डी कहता है विच स्कूल ऑफ इंग्लिश पोएट्री इज मैक्सवेल एसोसिएटेड विद, कौन सा स्कूल जो है मैक्सवेल के बारे में बात किया गया है, वो देखिए हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 1, 2, 3, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये हो जाएंगे आपके मेटाफिजिकल, मिस डी का जो है ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ई की ओर, हाउ सून हैथ टाइम इज अ डैश सोनेट, ये कौन सा सोनेट है वो आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स ये आपको ऑप्शन सामने दिए गए हैं, शेक्सपियर, मिल्टोनिक, पेट्राकन और स्पेंसिंगर। देखिएगा हाउ सून हैथ टाइम जो है एक पेट्राकन सोनेट है, मीन्स ई का जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर एफ की और, क्वेश्चन नंबर एफ कहता है व्हाट इज द सीन वेयर आई बिगन रेफरिंग टू, अब ये किसे रेफरिंग करता है वो यहाँ पे आपको बताना है क्वेश्चन नंबर एफ में। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स ये कहता है आपका ओरिजिनल सीन को ये क्या करता है, ये रेफर करता है, मीन्स क्या होगा आपका एफ का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर जी की ओर, जी कहता है व्हाट डज रोजलिन कॉल हरसेल्फ वाइट इन डिस्गस्ट, व्हाट रोजलिन जो है किसे हरसेल्फ के रूप में पुकारते हैं वाइट इन डिस्गस्ट के रूप में, आंसर देखो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी गैनी मैड हो जाएगा, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जी की बात करवा जाएगा आपको, एच नंबर कहता है व्हाट फेमस लाइन डज जैक से, कौन सा फेमस लाइन है जो जैक्स के द्वारा कहा जाता है वो आपको यहाँ पे बताना है। ए है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, लेडी डॉट पसेस टू मच इट टू ब्रूट, और है ऑल द वर्ल्ड स्टेज, देखिए जैक्स के द्वारा कहा जाता है लेडी डॉट पसेस टू मच, यानी क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या कहा जाता है ये इंपॉर्टेंट लाइन कहा जाता है। आइए बढ़ते फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर एच के बाद आई की ओर, ड्राइडन जस्टिफाइज ड्रामा एज अ लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ, ड्राइडन जो है वो कहते हैं लेजिटिमेट है ड्रामा का क्या होगा, ऑप्शन ए पोइट्री, टू स्टोरी, थ्री नॉवेल और 4 नॉन फिक्शन। देखिए फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका पोइट्री, क्या हो जाएगा पोइट्री, यानी कि आई का क्वेश्चन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका। और देखिए लास्ट आपका एमसीक्यू है आई की बात, जी कहता है इन द बिगनिंग ऑफ द एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट हैज बीन मेंशन दैट अ वॉर इज हैपनिंग बिटवीन,
इंग्लैंड एंड एंड टेस। देखिए एशियो ड्रामेटिक पोइजम जो मेंशन किस 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 जो है कंट्री के बीच में वार के बारे में बताया गया है। इंग्लैंड एंड फ्रांस के बारे में बताया गया है। मीन्स क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यूनिट 2 आप पूछा गया था। देखिए क्या आपका अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस इन 150 वर्ड्स ईच करना था। 10 × 4 40 मार्क्स का था। कुछ आप 4 क्वेश्चन करना था आपको। गिव एन असेसमेंट ऑफ डन, देखिए हो जाएगा डन आपका एज ए पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस। क्या हो जाएगा DOL, डन एज अ पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस, उसका मूल्यांकन बारे आपको लिखना था। जॉन मिल्टन इज सेड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर इन इंग्लिश लैंग्वेज कमेंट। जॉन मिल्टन क्या है सबसे ग्रेटेस्ट राइटर है इंग्लिश लैंग्वेज के, उसके बारे में आपको लिखना था। ये भी आपको 50 वर्ड्स में और ये आपके 10 मार्क्स के थे। आइए बढ़ते हैं। इसमें जो सीन है पूछा गया था आपको। शेक्सपियर्स कॉमेडीज आर जनरली आइडेंटिफाइड एज प्लेज फुल ऑफ फन एंड आयरनी कमेंट विथ रेफरेंस टू। देखिए एज यू लाइक इट जो लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा, उसका आपको कमेंट करना है। फन एंड आयरनी क्या इसमें व्यंग किया गया वो बात था। और देखिए नंबर डी पूछा गया था। डिस्कस मैक्सवेल एज अ पॉइंट ऑफ लव। मैक्सवेल जाने जाते हैं कवि के लव के लिए, पॉइंट ऑफ लव, तो उसके बारे में करना था। डिस्कस द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन सोशलिस्ट ड्यूरिंग द 17वीं सेंचुरी, ये पूछा गया था। सोशल यानी होता है सामाजिक और अर्थव्यवस्थिक जो कंडीशन क्या थी 17वीं सेंचुरी के दौरान। और नंबर एफ ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ द लिटरेरी फिगर्स ऑफ द एलिजाबेथन एरा। और यूनिट नंबर थर्ड है आंसर द फॉलोइंग करना। यूनिट नंबर थर्ड में आपको लव इज अ सेंट्रल थीम ऑफ शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट, या तो लिख सकते हैं आप स्केच द करेक्टर ऑफ ऑलिवर फ्रॉम एज यू लाइक इट। लव क्या है सेंट्रल शेक्सपियर्स का है, उसके बारे में करना था। या ये देखिए आपका 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव क्वालिटी ऑफ ड्राइडन एज अ क्यूबिक इन इज इज लिटरल आउटलुक एंड लिटरेचर कमेंट। और या फिर लिख सकते हैं गिव अ क्रिटिकल एस्टिमेट ऑफ एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी बाई जॉन ड्राइडन। मतलब हो सकता है ऐसे भी एन एसे ड्रामेटिक पोएजी लिखा किस द्वारा किया गया था, हो जाएगा आंसर आपका जॉन ड्राइडन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अभी तक नहीं किया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर, ताकि आगे आपको नोटिफिकेशन इस वीडियो के माध्यम से, आप इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।